सब्सक्राइब कीजिए जायका NH12 और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे जरिए अपलोड की गई कोई भी जायकेदार डिश आपसे मिस न हो सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका NH12। और आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी बिना फ्रेश क्रीम के यूज के। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम फ्राई करेंगे 1 कप पनीर के कटे हुए पीसेस। हल्दी की वजह से उसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। तो पनीर हम बस इतना ही फ्राई करेंगे। मैंने इसे 3 से 4 मिनट फ्राई किया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब इसी ऑयल में हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा एक, और मैंने 4-5 लौंग ली हैं, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 हरी इलायची, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे, यहाँ मैंने 2 बिल्कुल छोटी छोटी कटी हुई प्याज ली है या एक मीडियम साइज़ की आप कह सकते हैं, और ये मैंने ली है 5 हरी मिर्चें, ये भी सब हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हम इतनी ही फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, ये भी मैंने रफली काटा है, और इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसमें हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये सारे मसाले को ठंडा करके इसका पीस के एक प्योरे बना लेंगे। तो अब हम इसी तेल के अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले की प्योरी बनाई थी वो, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया और डालेंगे 1/4 चम्मच शक्कर और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली और ये मैंने उबले हुए मटर लिए हैं 1/2 कप ये, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो पनीर के पीसेस हमने तल के निकाले थे वो,
और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध और ये सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके ढक के लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे सर्व करते हैं। आप इस रेसिपी को रोटी या पराठे किसी के भी साथ एंजॉय करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल जायका NH12 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।